टाइलें लास्ट कब साफ हुई हैं? डेस्क यहाँ पे क्यों पड़ा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये क्या हाल है? बिल्डिंग हर तरह से चू रही है, सारा प्लास्टर उतर रहा है, एक क्लासरूम जो आउट ऑफ यूज है उसमें आप नए पंखे लगवा रहे हैं। आप कहिए उस इंजीनियर को जेल भेजा जाए, आप कहिए उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए। हमें भी पता है 15 साल से यहाँ पे करप्शन चल रहा है, इस पे इंक्वायरी तो ऑर्डर करिए। कौन करवा रहा है एक्टिविटी? आइए चलिए वहाँ पे। नहीं सर, एक सेकेंड सर, आपको पता नहीं है लेवल 3 कहाँ पर है? एक सेकेंड, हाँ जी कहाँ पे बैठता है लेवल 3? ये सब क्या है? टाइलें लास्ट कब साफ हुई है? आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? मैं 5 महीने पहले आया हूँ। और 5 महीने में आपने सफाई नहीं करवाई? हाँ जी सर, ये सब क्या है? डेस्क यहाँ पे क्यों पड़ा है? तो अभी बीच में जो छुट्टियों का समय था तो क्या हुआ? तब तो करवा सकते थे हम। ये सब क्या है? इस सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके घर में तो ऐसी गंदगी नहीं होगी सर। ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है? 2012 में बनी है। देखिए हम आपको ब्लेम नहीं करना चाह रहे, हमें भी पता है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी के स्कूलों को बर्बाद कर दिया, लेकिन सर आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? मैं लग रहा हूं सफाई में, सब भी मैंने साफ करवाई। नहीं पर ये क्या है, मैं क्या मानूं इसको? तो आपको ये दिखता नहीं है कितनी गंदगी है, जाले लगे हुए हैं? जब से आप आए ना महीनों से साफ नहीं हुआ है, इतनी गंदगी ऐसे नहीं जमती है। आपको ये नहीं लगा इसको साफ करवाना चाहिए? इस स्कूल में कितनी बार आए हैं अभी तक? मैं एक बार आया। कब आए हैं? परसों आए। आपने इस पे क्या एक्शन लिया है अभी तक? आप अंदर देखिए क्लासरूम, बिल्डिंग हर तरह से चू रही है, सारा प्लास्टर उतर रहा है। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कौन एक्शन लेगा? ये रिपेयर होने के बाद ही हाल है। आप ज़रा कागज़ निकाल के दीजिए मुझे कि कब ये बिल्डिंग रिपेयर हुई है। 5 महीने आप कह रहे हैं, 5 महीने से यहाँ पे हैं। ये छत देखिए इसकी, क्लासरूम जो आउट ऑफ यूज़ है उसमें आप नए पंखे लगवा रहे हैं। आप कहिए उस इंजीनियर को जेल भेजा जाए, आप कहिए उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें लगता है गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो होने दो टूटी फूटी बिल्डिंग, इसको ठीक करवाइए आप। ठीक है।